بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Dear student, question number 3. Rohan spent rupees 65.33 on Monday and rupees 97.29 on Tuesday. Rohan ne Monday ko itne paise kharch kiye, Tuesday matlab Mangal ko itne paise kharch kiye. How much amount did he spend in 2 days? तो बताएं कि उसने 2 दिनों में कितने पैसे खर्च किए. देखें, अब उन्होंने दोनों दिनों की अमाउंट पूछी हुई है. इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस करना है. जब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आपने प्लस करना है. फॉर एग्जांपल, ऐड, सम, बोथ, टोटल, ऑल टुगेदर. ठीक है, और ये लास्ट वीडियो में पढ़ा है, अगर उन्होंने टू पूछा हो, टू के बारे में बताएं. तो ये हमारे पास क्या है, आपको क्या करते हैं बताते हैं कि हमने यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना होगा, प्लस. और कुछ भी उन्होंने लिखा होता है, अब ये आ जाएगा प्लस के हिसाब से. यहाँ पे आपने प्लस करना होगा, माइनस के हिसाब से. देखें, सब्ट्रैक्ट, सेकंड पे आ जाएगा आपके पास डिफरेंस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लेफ्ट. यहाँ पे आ जाएगा मोर. ठीक है, बस ये इसमें इतने बनता है. ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं कि कहाँ पे ये वर्ड्स यूज होंगे, तो आपने प्लस करना है. जहां ये वाले वर्ड्स यूज होंगे वहां आपने क्या करना है, माइनस करना है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2-3 में आपके पास 2 डेज दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है. ये मैं लिखा रहने दूंगी ताकि आपको इससे फायदा रहे. देखिए, हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी होगी हमें. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मतलब व्हाट प्रॉब्लम्स विदाउट स्टेटमेंट, आपके क्वेश्चंस नहीं जो है एक्सेप्ट किए रहते. ठीक है, देखिए जी, रोहान स्पेंड money on Monday rupees 65.33. ठीक है,
Next. He spent money on Tuesday. ₹97.29. Total amount. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे. ₹97.29. जी ग्लास रफ वर्क क्या आपने साइड पे लाइन लगानी है और वहां आपने क्या कर देना है, प्लस करना है. ठीक है, प्लस 97.29. जी स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 162.62. ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, 162.62, ये डेसिमल पॉइंट. ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था. नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 64 एंड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, मोआज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 76.36 किलोमीटर इन कार. के मोआज ने कार में इतने किलोमीटर सफर तय किया एंड 55.45 किलोमीटर इन ट्रेन टू मीट हिज ग्रैंडमदर. कि वो अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जा रहा था, तो उसने गाड़ी में इतना सफर तय किया और ट्रेन में इतना सफर तय किया. इन विच व्हीकल, व्हीकल कहते हैं पहिए को. ठीक है, डिड ही ट्रेवल मोर एंड हाउ मच मोर. बताएं कि उसने सबसे ज्यादा सफर किस में तय किया, कार में या ट्रेन में. हाउ मच मोर और कितना, पहले आपने क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि उसने सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल किया, और फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि कितना उसने किया, मतलब कि वैल्यू बतानी है. इट इज क्लियर, चेंज करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, मास कवर्ड अ डिस्टेंस इन कार इक्वल्स टू 76.36 किलोमीटर. ही कवर अ डिस्टेंस इन ट्रेन इक्वल टू 55.45 किलोमीटर. ठीक है, ही ट्रैवल ये क्या रहेगा, 75.36 माइनस 55.45. जी स्टूडेंट अब आपने इसको माइनस करना है,
माइनस कर लें, 76.36 माइनस 55.45, डिस्टेंस आंसर आता है 20.91 किलोमीटर। देखें, आपको इन दोनों वैल्यूज से को देख के पता चल रहा है कि आप कौन सी जो है वो कर रहे हैं, पहले कौन सी पे ज्यादा वो सफर कर रहा है, कार में। तो इसका जो दूसरा आंसर बनता है वो है आप यहां पर लिखेंगे कार, कॉमन का के लिखेंगे 20.91 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, साद रैन 5.13 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे, के साथ पहले दिन 5.13 किलोमीटर दौड़ रहा है एंड 2.33 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन 2.33 किलोमीटर दौड़ रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ डेज, बताएं उसने दोनों दिनों में कितना सफर तय किया। ठीक है, टोटल लिखा हुआ है तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द फर्स्ट डे इक्वल्स टू 5.13 किलोमीटर। He ran, बल्कि यहां पे आप रन यूज करें, ही रन ऑन द सेकेंड डे 2.33 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस covered equal to 1 किलोमीटर, मैंने बाहर लिख दिया और अंदर मैंने वैल्यू लिख दी, टोटल लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस किया। जी स्टूडेंट, दफ वर्क के लिए लाइन लगाए आप साइड पर और इन दोनों को प्लस करें, 5.13 प्लस 2.33, आंसर क्या रहेगा, 7.46 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर इन 2 डेज। ठीक है, 7.46 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, अ टेलर हैड 15.25 मीटर क्लॉथ, टेलर दर्जी को कहते हैं, दर्जी ने इतने मीटर कपड़ा लिया, ही यूज्ड 11.55 मीटर क्लॉथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेसेस, और दो उसने ड्रेस सीने के लिए 11.55 मीटर कपड़ा यू इस्तेमाल किया, हाउ मच क्लॉथ डज ही हैव लेफ्ट, तो बताएं कि उसके पास कितना कपड़ा रह गया। देखें, 11.55 उसने कपड़ा इस्तेमाल कर लिया है 15.25 में से,
अब हमने ये बताना है कि आखिर उसके पास अब कितना कपड़ा रह गया। जैसे आप देखें, आपकी मदर, जिनकी मदर कपड़े सीती होंगी, उन बच्चों को इस बारे में पता होगा कि जब आपकी, या बाकी बच्चों को भी पता होगा कि जब हम कपड़े सीते हैं तो कोई ना कोई कपड़ा हमारे पास बच जाता है, कभी शलवार का पीस, कभी कमीज का। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि दर्जी ने कपड़े सिए, ठीक है, और उसने कुछ कपड़ा इस्तेमाल किया, तो बताएं बाकी उसके पास कितना रह गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ टेलर हैज (15.25 meters) He used cloth in 2 dresses (11.55 meters). (15.25 - 11.55 meters) इन दोनों को माइनस कर लें। फाइव में से फाइव ये जीरो, टू में से फाइव नहीं जा सकते, ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव माइनस करें तो क्या देता है, सेवन, फोर में से वन गए थ्री, वन में से वन गए जीरो, आंसर क्या आ गया, 3.70 meters, इतना कपड़ा उसके पास बचा था, ठीक है। दो ड्रेसेस सीने के बाद कितना कपड़ा बचा था उसके पास, 3.70 meters। जी स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, निदा नीड्स 50.55 ग्राम शुगर फॉर अ केक। निदा ने केक बनाने के लिए उसे 50.55 ग्राम चीनी चाहिए थी, 28.5 ग्राम शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स, और कप केक बनाने के लिए उसे 28.5 ग्राम चीनी चाहिए थी। फाइंड, ए पार्ट सॉल्व करना है। हाउ मच शुगर डज शी नीड altogether? बताएं उसे टोटल कितनी चीनी चाहिए थी। विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर एंड हाउ मच मोर? बी पार्ट में बताना है कि किसमें ज्यादा चीनी चाहिए थी और कितनी। ए पार्ट में क्या करना है, प्लस, और बी पार्ट में क्या करना है, आपने माइनस करना है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। Thank you.
क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए. मीदा को केक बनाने की शुगर चाहिए थी कितनी, 50.55 ग्राम. ठीक है, मीदा आएगा शी नीड्स शुगर फॉर आ फ्यू कपकेक्स equals to 28.5 ग्राम. ठीक है, she need जी श्रेणी को प्लस कर लें, 50.55 प्लस 28.5 आंसर आ जाएगा 79.05 ग्राम. टोटल शुगर दोनों के लिए हमें इतनी चाहिए थी. अब दूसरा पार्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है कि टोटल शुगर अगर आपको इतनी चाहिए और अब आपने ये बताना है कि सबसे ज्यादा चीनी किस में चाहिए. देखिए स्टूडेंट, जब हम केक और कपकेक में बहुत फर्क होता है, केक बड़ी चीज है और कपकेक क्या है, छोटे छोटे कप होते हैं, कपकेक होते हैं. ठीक है, तो केक में ज्यादा चीनी लगती है और कपकेक में कम लगती है. तो इसका मतलब है, अभी हमने क्वेश्चन को किया नहीं है, हमें ये पता चल जाता है कि भी कप केक में कम और केक में ज्यादा शुगर लगती है. देखिए जी, यहाँ पे हम इसे बी पार्ट करेंगे. She need sugar for a cake equals to 50.55 gram. She needs sugar for a few cupcakes equals to cupcake में कितनी चाहिए थी, 28.5 ग्राम. जब हमने क्या करना है, यहां पर माइनस करना है 50.55 माइनस 28.5 ग्राम. ग्राम दोनों में लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख के ग्राम बाहर लिख दिया. अब मैं इसे माइनस करूंगी, 50.55 28.5. जी स्टूडेंट, आंसर आता है 22.05 ग्राम्स. ये है. और वैसे हमें देख रहे हैं कि हम किसमें ज्यादा शुगर चाहिए, केक में. ठीक है, यहाँ पे आप प्रेफर कर लें. माइनस 28.5, नीचे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा, फाइव. फाइव में से फाइव गए जीरो,
जीरो में से एट माइनस हो सकते हैं? नहीं। टेन में से एट माइनस किए टू, फोर में से टू माइनस किए टू, 22.05 आंसर है। इधर क्लियर? और वैसे हमें इधर नजर आ रहा है कि 50 और 28 ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है क्लास? 50.55 वैल्यू हमारे पास क्या है? इंक्रीज है। और 20.5 क्या है वैल्यू? डिक्रीज, ये छोटी वैल्यू है। तो पता चला कि केक में हमें चीनी ज्यादा चाहिए होती है और कप केक में चीनी कम चाहिए। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। हमारे एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। आप सब ने ये क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है और अपनी नोटबुक पर उतारना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।